सात क्वेश्चन है, सात में से करने हैं आपको सिर्फ कितने, पांच। ठीक है, पांच क्वेश्चंस आपको करने हैं सात क्वेश्चंस में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, दैट इज व्हाट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम एंड प्रिडिक्ट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम आयन। सो पोटेशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है पोटेशियम का? आर्गन फॉर इस वन। आई एम आस्किंग एटॉमिक नंबर, आई एम नॉट आस्किंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुश्री ध्यान से सुनो, नो सॉरी, नहीं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। बताओ पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। हाँ ओके, नाउ अकॉर्डिंगली आप इसका क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। अगर आपको याद है 1s2 2s2 वाला तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो इससे छोटी नोबल गैस कौन सी है, इससे पहले नोबल गैस कौन सी आएगी? आर्गन। आर्गन आएगी। आर्गन में कितने होते हैं? 18। सो आपका पोटेशियम में जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़े बचे हैं, एक बचेगा, उसके बाद आप उसका भर दो। सो व्हाट विल बी, 1s2 2s2 3s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नाउ 4s1, सो आपको 3d और 4p ऑर्बिटल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझ आ रही है कैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बात समझ आ रही है? यस मैम। यस, नाउ कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 20। सो व्हाट विल बी द चेंज हियर? फोर एस टू, सो दिस विल बी ऑफ व्हाट, कैल्शियम। नाउ स्कैंडियम, नाउ हियर कम्स व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपने पढ़ा। सो आप बताओ स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर? 21। What will be the configuration? 4s2 3d1. 4s2 3d1. Now scandium plus. How will you remove the electron? Scandium plus ion banana hai. Yes, scandium. 4s1. Yes. So what will be the configuration? 4s1 3d1. बन जाएगा first question. अगर ऐसा कोई question आया तो. Yes, ma'am. Yes. प्लीज टेल मी कि 137 का किस किस का है जिसको देना है? गौरव तुम्हें देना है, अच्छा श्याम को देना है, गौरव को देना है। यस ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, व्हिच आयन इज कलरलेस एंड व्हाई? सो द पहली बात तो ये है कि कलरलेस जैसा इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो आपके कलर शो करते हैं। ठीक है, सो आप जब निकल का निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। यस मैम। सो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d8, remove 2 electrons, what will be the configuration? 3d8 बचेगा। Now what will do, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, 5 हो गए, 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो निकल 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो ये कलर तो थोड़ा बहुत शो करेगा। अब हम देखते हैं आयरन प्लस 3, पहले बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर? आयरन का एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको 1 से 20 तक तो बोला था कि याद होने चाहिए। तो 1 से 20 में पोटेशियम कैल्शियम का आ गया। 25। 25,
तो मैग्नीज का क्या होता है 25 अगर आयरन का है तो? नहीं 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 चेंज करने 26 यस. सो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 सो 6 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने निकालने हैं तो कितने बचेंगे Fe3+ में कितने बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो S में से 2 निकल जाएंगे, T में से 1 निकल जाएगा, कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑल आर अनपेयर्ड. दिस मींस आयरन जो होगा Fe3+ ये सबसे ज्यादा कलर्ड आपका होगा और इंटेंस कलर Fe3+ शो करेगा. यस श्याम, यस व्हाट हैपेंड? यू रेज्ड योर हैंड. ठीक है. नाउ व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स. क्यों होगी कॉम्प्लिकेटेड बताओ? मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाते टाइम लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स पढ़ाया था तो आपको बताया था कि लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? वही इसका आंसर है. क्या डिफरेंस है बताओ जल्दी जल्दी. रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड्स की लैंथेनॉइड्स. यस, रेडियो एक्टिव कौन होते हैं सेकेंड ईयर? गौरव ने और श्याम ने तो अटेंड नहीं की थी, सुश्री और अनीशा ने अटेंड की थी. बताओ अनीशा या सुश्री, रेडियो एक्टिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में? सुश्री बताओ जल्दी, डांट खाओगी वरना पेपर है तुम्हारा 137 का सबसे पहले. एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. यस मैम, मैं अनम्यूट नहीं हो रही थी. ठीक है कोई बात नहीं. सो एक्टिनॉइड्स आपके जो होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव. सो इनकी स्टडी करना इज डिफिकल्ट, इसीलिए इनकी केमिस्ट्री स्टडी करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो आपका ये इस चीज के कारण आप इनकी हाफ लाइफ और ये सब चीजें नहीं निकाल पाते. ओके, बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. अब इनकी केमिस्ट्री डिफिकल्ट, रेडियो एक्टिव है तो आप इनकी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? कभी भी रेडियो एक्टिविटी शो करने लग सकते हैं, है ना. तो खत्म भी हो सकते हैं, इनिशिएट कर दी प्रोसेस तो चेन रिएक्शन हो सकती है. सो इनके डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ व्हाट? दे आर रेडियो एक्टिव, जिसके कारण स्टडी करना इज डिफिकल्ट. नाउ व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? यस, व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड? क्या होते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? यस, व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? ये तो बता दो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या? मैम, टू डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं. यस, ओके. Yes, you raised your hand, Gaurav, what happened? Not audible, you can type in the chat box. So, see, ambidentate is what? NCS, example, yeah, SCN. This means what? Electrons can be donated from what? Nitrogen or from what? Sulfur. So, दोनों जगह आपका स्कोप है. एक बार हो सकता है नाइट्रोजन से बाइंड कर ले, एक बार हो सकता है साइनाइड से बाइंड कर ले. और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? NO2, तो इसमें आपका एन डोनर एटम है. और क्या हो सकता है? सेम एग्जांपल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ONO. तो हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन क्या कर दे, डोनेट कर दे. सो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर व्हाट? दे आर यूनिडेंटेड, मतलब एक ही डोनर एटम होता है. बट व्हाई एम्बिडेंटेड?
MB means two, means at a time तो ये एक ही डोनर एटम से देंगे, बट इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं ये कुछ इस तरीके के होते हैं कि आपका नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है अगर NO2 है तो, और ऑक्सीजन भी, NCS है तो NB और सल्फर भी. बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes. So, naming according to K convention, that is Kappa convention, आपको ये पता है कि NCS का नाम क्या होता है, SCN का नाम क्या होता है, तो thiocyanate and cyanate ions, ठीक है, NO2 का नाइट्रेटो N या नाइट्रेटो O. So, यही कापा कन्वेंशन है कि जो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जुड़ा होगा, जिस एटम से, लिगेंड के जिस एटम से, मान लो N से NO2 है तो नाइट्रेटो N, अगर O से जुड़ा है तो नाइट्रेटो O. So, ये आपका नॉमिनक्लेचर है. तो ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर आएगा तो. बन जाएगा? Yes, ma'am. Yes. Now, different types of what? Structural isomerism. Yes. So, who will tell me coordination compounds? मैंने structural isomerism के types बताए थे. Yes. Who will tell me? जल्दी जल्दी बताओ. अनिशा सुश्री, बताओ क्या होते हैं टाइप्स, जल्दी बताओ. मैम टू टाइप्स, मैम फोर. व्हाट व्हाट क्या होते हैं टाइप्स स्ट्रक्चरल के? मैम पोजीशन आइसोमर ये वाला. व्हाट? अच्छे से बोलो. मैम पोजीशन आइसोमर. हाँ, लाइक व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, है ना? दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आई टोल्ड यू. यस और नो? याद आ रहा है? यस मैम. यस. So, आपको यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आया है. दिस मीन्स व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और व्हाट? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और व्हाट? लिंकेज आइसोमर, है ना? ये सारे आइसोमर्स आपको पढ़ाए थे मैंने स्ट्रक्चरल में. जी मैम. सो एम्बिडेंटेड एंड दिस क्वेश्चन, अगेन ये दोनों बन जाएंगे. नाउ ये दोनों भी पढ़ाए थे, सीएफटी के क्वेश्चंस हैं ये. सीएफटी के क्वेश्चंस क्या हैं? आपको D4 के लिए जो, जैसे अनिशा ने पूछा था कि कैसे आएगा मैम एक्सप्लेन करने, तो मैंने आपको बोला था वो मेंशन करेंगे कि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड में शो करना है कि वीक फील्ड में. ओके, सो वीक फील्ड होगा तो D4 कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड होगी. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो, अगर आपको D4 कॉम्प्लेक्स है तो आपको पेयर करके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है ना? टेट्राहेड्रल. नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन इज हियर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ड्रॉ और एग्जांपल थ्रू समझाएंगे. सो सीएफएससी फॉर ऑक्टाहेड्रल इन अगेन द टेट्राहेड्रल, आप डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या? डी ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे. ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऊपर कितने पहुंच जाते हैं, नीचे कितने पहुंच जाते हैं, टेट्राहेड्रल होगा तो कितने पहुंच जाते हैं, वो चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है जो मैं पढ़ा चुकी. पढ़ाया है ये स्प्लिटिंग पढ़ाई है? Yes, ma'am. Yes, what happened to you, Gaurav? You are raising hand again and again. You want to ask something? And write this relation, okay? What relation? Delta T is equals to 4 by 9 delta O. ठीक है, ये relation भी आप इस question में CFSC वाली value में mention कर देना, है ना? और जब tetrahedral होता है कितने ऊपर जाते हैं,
ऊपर चले जाते हैं, दो नीचे, और ऑक्टाहेड्रल होता है तो तीन नीचे दो ऊपर। याद आ रहा है अब कुछ? ठीक है, सो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है इसको। नाउ पार्ट बी। सो पार्ट बी में आपको क्वेश्चन आया है कहाँ से? केमिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। ठीक है, देखो क्वेश्चन 9 में आया है, टू अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी डेट आर नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस। फॉर रियल गैसेस, तो आपका काइनेटिक थ्योरी के जस्ट बाद है रियल गैसेस एंड इट्स लिक्विफिकेशन। तो जब मैं आपको ये समझाऊंगी तब वो समझा सकती हूँ, बट अगर अभी पूछोगे इसका आंसर, सो इसमें यह है कि काइनेटिक थ्योरी ने क्या बोला था कि देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना, तो ये वैलिड नहीं है रियल गैसेस के लिए। ठीक है, नाउ सेकेंड था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू व्हाट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। सो दिस अगेन, ये अजम्पशन जो दो मैंने बोले, ये दोनों रियल गैस के लिए नहीं है, नॉट वैलिड। सो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ ये चीज जो है ए एंड बी, सो आपके जो आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जब ये मॉडिफाई होती है ना तो दो कॉन्स्टेंट आते हैं, एक ए आता है और एक बी आता है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाती है, मैं यहाँ बताती हूँ। तो ये वाले जो इक्वेशन है आप इसको पढ़ोगे रियल गैसेस में। सो आपका ना जो जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए मॉडिफाई होते हैं। जब आप टेम्परेचर का लिखोगे तो क्या लिखते हो? 8A/27RB, आर बी। ठीक है, एंड जब आप प्रेशर के लिए लिखते हो तो आप लिखते हो 8A/27B². नाउ हियर यू हैव टू फाइंड व्हाट क्रिटिकल कांस्टेंट। सो क्रिटिकल कांस्टेंट आर दिस, टेम्परेचर एंड द प्रेशर। सो आपको ए और बी, दैट इज वेंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, आप क्या फाइंड कर लोगे? ए बी की दी हुई है, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, टेम्परेचर की मिल जाएगी, ए बी दी हुई है, प्रेशर की मिल जाएगी, तो क्रिटिकल कांस्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रियल गैसेस में आपको जो मिलेगा डेविएशन, उसमें आप पढ़ोगे कि कैसे वेंडर जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, नाउ ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बोला था पढ़ने के लिए काइनेटिक थ्योरी में, मैंने आपको बोला था पढ़ लेना, कभी कभी आ जाता है, तो ये देखो यहाँ आ गया है 3 मार्क्स में। ठीक है, ये हमने छोड़ा था क्योंकि हमने बोला था कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप, सिंस 8 क्वेश्चंस हैं तो 8 में 7 है, 7 में से 5 करने हैं, है ना, तो हम इसको छोड़ सकते थे, स्कोप था हमारे पास। नाउ अगेन ये न्यूमेरिकल आपको बन जाता, क्या दिया हुआ है इसमें? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जिसका वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर। सो यू नो वॉट, यू नो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ दिया भी हुआ है, गैस इज बिहेविंग आइडियली। सो वॉट यू विल डू, टेम्परेचर पता है, प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम पता है, मोल्स पता है, आर की वैल्यू पता है, क्या प्रेशर निकाल लोगे पुट करके? यस। ठीक है, सो आपका इसमें से ये बन गया, अगर मान लो ये छूटता है तो इसमें से ये दोनों बन जाएंगे क्योंकि ये हम रियल गैसेस में पढ़ेंगे। नाउ विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड्स में पढ़ाई है मैंने, क्या होती है विस्कोसिटी? क्या होती है विस्कोसिटी? ग्लिसरीन ज्यादा विस्कस है कि वाटर? क्यों है विस्कस? मतलब विस्कस मतलब क्या? ग्लिसरीन को क्यों विस्कस बोला? क्यों बोल रहे हो ग्लिसरीन विस्कस है? मैम, जिसका फ्लोइडिटी ज्यादा है उसका विस्कोसिटी कम होता है ना? यस। सो जैसे अनिशा ने बोला ग्लिसरीन ज्यादा विस्कस है, इसका मतलब क्या है? उसकी फ्लुइडिटी कम है। और अगर आप वाटर को बोलते हो कि वो विस्कस कम है, मतलब उसकी फ्लुइडिटी ज्यादा है। सो विस्कोसिटी आपको यहाँ एक्सप्लेन करनी है। नाउ यहाँ क्या दिया हुआ है? व्हाई इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 373 इज 1/6 ऑफ व्हाट? 273। तो अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, 1/6 बोल दिया, क्या बोल दिया, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, क्या सिंपल है? टेम्परेचर विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? मैम, टेम्परेचर तो विस्कोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, विस्कोसिटी। अब बच्चों आप लोगों की आवाज बहुत कट रही है, चैट बॉक्स पे लिखो। मैम विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीजेस टेम्परेचर जब इंक्रीज होगी तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, जी मैम। तो आंसर मिल गया आपको, सिंपल है। नाउ ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो मैंने आपको बोला था, क्यूबिक पैकेजिंग और क्रिस्टल्स, या आपको सॉलिड्स में पढ़ना है, ठीक है। जो 137 है उसमें जो सॉलिड्स हमारा बचा है, रियल गैसेस बचा है, ये सब उसमें पढ़ने हैं, ये दोनों क्वेश्चन उसके हैं, ठीक है। नाउ ये दोनों क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स के हैं, है ना। आपको ये मैंने बताया था, क्या कौन सा फॉर्मूला, के इक्वल्स टू व्हाट, याद करो कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, ए ए माइनस एक्स, एक्स वाज व्हाट, एक्स क्या था, एक्स क्या था, सी ऑर्डर डिफाइन करना है, ऑर्डर डिफाइन कर लोगे, ऑर्डर डिफाइन कर लोगे, यस ऑल ऑफ यू, व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर डिफाइन कर लोगे, यस मैम, यस। नाउ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाफ लाइफ आपकी दी हुई है, क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ, यस। नाउ आपको क्या दिया हुआ है कि हाफ लाइफ इज इनिश व्हाट, 1/a, ठीक है। रिएक्शन दिया है, ए से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, आपने डायरेक्टली इसको देख के बोल दिया कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर 1, ठीक है। अभी आप क्या करना है आपको कि इफ हाफ लाइफ इज व्हाट, हाफ लाइफ दी है और आपको हाफ लाइफ इज व्हाट, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ इज 0.693/k, तो हाफ लाइफ क्या है, 30 seconds है, तो के की वैल्यू निकाल लेना, के की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको पता है के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303/t log a upon a minus x, तो यहाँ पे x क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन में से x वाला जितना रिएक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब आप x को कैसे निकालते थे, x को आप कैसे निकालते थे, मान लो 20% कंप्लीट हो गई है तो आप लिखते थे ना 20% ऑफ a, तो 20 ऐसे करके आप x की वैल्यू निकालते थे, है ना, निकालते थे, जो आता था आपका मान लो कितना आया, 0.2a आ गया, x की वैल्यू आ गई 0.2a, x की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई वहां पुट कर दोगे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होके आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपने टी हाफ में से k की वैल्यू निकाल ली, आपके पास a अपॉन a माइनस x की वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, 6.25% कम हुआ है, सो x की वैल्यू क्या हो गई, 6.25/100 इंटू ए, तो इसको सॉल्व करोगे x की मिल गई, a a माइनस x, ठीक है, x की मिल गई, सो 1a माइनस जितना भी आया यहाँ पे इसको पुट कर देना, तो पुट कर दोगे तो अगेन a यहाँ आ जाएगा, देन इन दोनों को सॉल्व करोगे, a से a कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसका लॉग निकालोगे, लॉग निकालोगे तो आपको क्या क्या पता है, k पता है, t हाफ में से k निकाल लिया था, अब आपको टेम्परेचर निकालना है, तो क्या टाइम निकालना है, नॉट टेम्परेचर, सो आप टाइम निकाल लोगे जो इक्वेशन अभी बताई मैंने उससे, ठीक है, समझ आ रही है बात, जी मैम। नाउ व्हाट विल यू डू, ये दोनों हो गए, अब एक और देखो, क्वेश्चन सेम है, लास्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का ही आया है, आपको यहाँ दिया हुआ है क्या, इनिशियल रेट ऑफ व्हाट, एनओ एंड सी एल टू, तो जब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं, उन स्टेप्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है, तो आपका इनिशियल रेट फाइनल रेट यहाँ पर दिया हुआ है ना, एनओ का दिया है और किसका दिया हुआ है, सी एल टू का दिया है, सी एल टू का दिया है, एनओ को दिया है और क्या दिया है, इनिशियल रेट दिया है,
सो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल्स टू व्हाट, के सीएल की पावर कितनी, वन ही मान लो, क्या कुछ है नहीं, एनओ की पावर अगेन वन, ठीक है. नाउ व्हाट विल यू डू, आपको ऐसे कोई दो रेशो निकालते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो हम रेशो निकालते हैं, तो आपको रेशो ऐसे का निकालना है कि आपकी दो चीजें कुछ कट जाए, ठीक है, या तो किसकी कट जाए, या तो जो आपने सीएल टू लिया है, जब आप यहाँ रेट निकालोगे, मान लो आपने रेट चूज किया ये दोनों, ये वाला चूज किया, ठीक है, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आपने रेशो निकाला मान लो वन रेट का एंड सेकंड रेट का, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे तो सेम एक्सप्रेशन, तो सेम रहेगा सेम क्योंकि आप कॉपर और एनो को ही इन्वॉल्व कर रहे हो. सो व्हाट यू विल डू अगेन, के अगेन कॉपर और एनो. अब आपने क्या किया, आपने रेट वन में जो सीएल टू है, नॉट कॉपर, सीएल टू जो, हाँ, क्लोरीन जो है यहाँ पे आपने उसका क्या लिख दिया, कंसेंट्रेशन यहाँ लिख दिया, एनओ का लिख दिया. नाउ सेकेंड रेट का भी यहाँ लिख दिया, सीएल टू का 0.20 और एनओ का यहाँ लिख दिया. तो अब आपका क्या हो जाएगा, एनओ से एनओ कट जाएगा. यस मैम, एनओ से एनओ कट गया. अब आपका क्या बचा, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, ठीक है, इसके कोफिशिएंट. तो यहाँ लिख लो अल्फा, यहाँ लिख लो बीटा, यहाँ लिख लो अल्फा, यहाँ लिख, तो ये वाला पूरा टर्म कट गया, के से के कट गया. अब आपका रेशो क्या आ रहा है, रेशो रेट 2/3 इक्वल्स टू व्हाट, 0.10/0.20, है ना, मान लो इसको अल्फा एंड अल्फा. अब रेट टू रेट थ्री दिया हुआ है आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है कि नहीं दी है, यस मैम. व्हाट यू विल डू, इन दोनों को यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू, रेट टू की, रेट वन एंड टू ले रहे हैं ना हम, टू एंड थ्री नहीं, वन एंड टू, ठीक है, वन एंड टू लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी. जब यहाँ पुट कर दी तो ये सॉल्व हो गया. तो यहाँ पे मान लो आपको 1/4 मिल रहा है कुछ सॉल्व होके, एंड इक्वल्स टू यहाँ भी 1/4 मिल रहा है, एंड पूरे की पावर अल्फा है. सो आपका क्या हो जाएगा, सेम साइड, दिस मीन्स अगर आपका बेस सेम है तो पावर सेम हो जाती है, या बेस सेम होता है तो पावर इक्वेट हो जाती है, होती है इक्वेट, रूल है ये एक, कि अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट. सो अल्फा कितना आ गया आपका, अल्फा मान लो 1 आ गया, तो आपको पता चल गया कि क्लोरीन के यहाँ 1 मोल है. सिमिलरली आप कोई ऐसी रिएक्शन चूज कर लो, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड की, अब आप सेकंड थर्ड का रेट निकालना, तो आपका सीएल कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1/2, तो ऐसे करके आप बीटा निकाल लोगे, निकाल पाओगे बीटा, टीम समझ रहे हो जी मैम, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो अब आया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा. बहुत ज्यादा टाइम लगेगी. नहीं टाइम नहीं लगेगा, 3 घंटे मिलते ना, नहीं, कितना, टू टू आवर्स नहीं हो जाएगा सॉल्व, अभी समझाने में टाइम लग रहा है, सॉल्व हो जाएगा. सो आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, ठीक है, अल्फा बीटा मिल गया, तो आप रेट कांस्टेंट में रख दोगे, रेट कांस्टेंट में के सी एल एनओ टू, मान लो अल्फा आपको मिला 1, बीटा मिल गया 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3. सो आपको मिल गया ऑर्डर मिल गया. यस मैम. ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी एल इज वॉट, विथ रिस्पेक्ट टू सी एल 1, विथ रिस्पेक्ट टू एनओ मीन्स 2, ओवरऑल ऑर्डर 3, रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, के, के की वैल्यू मिल गई थी, रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू तो दी हुई थी, बट रेट कॉन्स्टेंट मतलब ये जो आपका के होता है ना, के की वैल्यू नहीं मिली थी, दैट वॉज रेट. रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अब आपके पास रेट है, सी एल की वैल्यू है और एनओ की वैल्यू है, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन मतलब ये उठा लो, मान लो ये उठा लो, कुछ भी उठाओगे, इसमें आपको सब कुछ पता है, तो के की वैल्यू फाइंड कर लेना, बनेगा. देखो कैसे बनेगा, मान लो आपको पता चल गया सी एल क्या है, सी एल की वैल्यू 2 है, और क्या पता चल गया कि
एनओ की वैल्यू सीएल की वैल्यू रेस टू द पावर वन है और एनओ टू की वैल्यू एनओ की वैल्यू क्या है टू है. व्हाट यू विल डू अगर मान लो आपने ये इक्वेशन उठा ली सेकेंड वाली, तो सीएल का कंसेंट्रेशन 0.20 रख देना, एनओ का 0.10. अब 0.10 का स्क्वायर करना, सीएल का जो रखा है उसकी पावर वन है तो वही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी. रेट इसका क्या है 6 × 10⁻⁷ क्या है माइनस क्या है 3 है ना 3. सो व्हाट यू विल डू इसको यहाँ शिफ्ट कर देना, डिवाइड कर देना, के की वैल्यू मिल जाएगी. समझ आ रही है अब बात? जी मैम, एक बार करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी. हाँ, इसको सॉल्व करना जाके खुद से. जब आपको क्या दिया हो, 3-4 रेट कंसेंट्रेशंस दिए हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, रेशो निकाल के, कि ऐसा रेशो लेना है कि एक आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाए, तभी तो आप दूसरे कोफिशियंट की वैल्यू निकाल पाओगे ना, नहीं तो कैसे निकालोगे. अगर दोनों कैंसिल होगी तो जीरो आ जाएगा. यस और नो? यस मैम. ठीक है, तो ये पेपर टफ लगा कि इजी लगा? मॉडरेट मॉडरेट लगा. अच्छा, अगर पहले जब पेपर दिए थे तो उससे अभी आसान लगा कि टफ लगा? यस नहीं, वो वाला से आसान लगा. आई मीन मैं पता चल रहा है कि कैसे सॉल्व करें, ट्रिक्स पता है, लेकिन ये याद नहीं है, थोड़ी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए मैंने 137 पेपर की फॉर्म फिलअप नहीं करी है, इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ. यस सुश्री. लेकिन हाँ हाँ मैम, पार्ट ए बहुत, पार्ट ए इजी लग रहा है, पार्ट बी थोड़ा थोड़ा. पार्ट बी इससे टफ लग रहा है क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल्स आ गए है ना, न्यूमेरिकल्स हाँ. आ गए टफ लगने लगता है, बट न्यूमेरिकल्स आर द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट इन केमिस्ट्री एंड इन फिजिक्स है ना अनिशा. मैम, लेकिन न्यूमेरिकल्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सॉल्यूशन नहीं निकलता कई नहीं, बार. तो जितना आप स्टेप्स करोगे आपको उतने पूरे नंबर मिलेंगे, स्टेप वाइज नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसमें. ठीक है, यूनिट्स भी याद नहीं रहती है कई बार, इसलिए भी मैथ्स. पढ़ना पड़ेगा है ना, पढ़ना तो पड़ेगा कि अपन यहाँ कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, अनलेस एंड अंटिल यू विल प्रैक्टिस, यू विल नॉट प्रैक्टिस, यू विल नॉट गेट मार्क्स है ना. मैम, ये जो लास्ट वाली क्वेश्चन थी, वो जो रेशियो, हाँ वो वाली क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आप सॉल्व करके प्लीज आप ठीक है, भेज आई विल दीजिएगा. सेंड यू आई विल हाँ सेंड. यस अदर्स, सब श्याम एंड गौरव, व्हाट अबाउट यू, समझ आई चीजें?